मुंबई पूरे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और मुंबई के वजह से पूरा देश चलता है, ये सबको पता है। मुंबई का भारत के विकास में कितना योगदान है ये भी सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या मुंबई के साथ क्या होता है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का राजनीति हलचल होता है, उथल पुथल मचता है, तो पूरा मुंबई जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, फाइनेंशियली रूप से ब्लॉक हो जाता है। अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मतलब कि हर जगह जो है वो पिछले 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा हो रहा है। 7 दिन से पूरे देश में नेशनल न्यूज़ पे जो है ये बातें आया, लेकिन पिछले 15 दिनों से कि आखिर किसकी सरकार कब कौन बन जाएगा यहाँ पे कैप्टन, कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा टीम महाराष्ट्र एक ऐसा टीम हो गया है जो टीम तो है लेकिन उसका कप्तान जो है बार बार बदल रहा है। कप्तान कौन है अभी लोगों को पता भी नहीं है। महाराष्ट्र के अनेकों जगह पे बाढ़ आया है अभी के समय में और उनके विधायक जो है वो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में इस बात का चर्चा नहीं हो रहा है कि आखिर जो है जो वहाँ पे 100 से अधिक लोग जो सरकार का आंकड़ा है वो बाढ़ में मर गए हैं तो वो क्यों मर गए। वहाँ पे चर्चा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कितने विधायक को वहाँ पे लेके पहुँचे हैं, कितने विधायक जो है मुंबई में पहुँचेंगे, मुंबई में किसकी सरकार बनेगी। सरकार को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ही मुंबई को भी जो है सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, केंद्र शासित कर देना चाहिए। और चूंकि मुंबई जो है महाराष्ट्र के एक कॉर्नर पे है जिसके वजह से राजधानी जो है किसी भी राज्य का सेंटर में होना चाहिए, जैसे बिहार की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की भी राजधानी लगभग सेंटर में है, मध्य प्रदेश की राजधानी सेंटर में है, तो ऐसे सेंटर में होना चाहिए कैपिटल। जब आंध्र प्रदेश जो है संयुक्त आंध्र प्रदेश हुआ करता था तो हैदराबाद उसका सेंटर हुआ करता था, तो सेंटर में राजधानी अगर होता है तो पहुंच लोगों का इजी हो जाता है। जैसे नागपुर के लोग को अगर कोई काम होता है तो उन्हें मुंबई आने में जो है 1.5 से 2 दिन लग जाता है। हाँ, हालांकि एक्सप्रेस सुपरफास्ट से आते हैं तो वो 1 दिन में चले आते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी बदल दी जानी चाहिए और मुंबई को जो है केंद्र शासित प्रदेश कर देना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा तो कम से कम राजनीति उथल पुथल उतना नहीं मचेगा जितना यहाँ पे मचता है। अभी पिछले 15 दिन से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंशन ही नहीं हो रहा है। कोई भी करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है वो लटका हुआ है। कुछ मतलब कि आर्थिक विषयों की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो है अधर में लटका हुआ है। वो किसी पे सीएम का साइन चाहिए, किसी पे डिप्टी सीएम का, किसी पे फाइनेंस मिनिस्टर का साइन चाहिए, किसी पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का चाहिए, किसी पे एमएमआरडी का जो मिनिस्टर है, जो मुंबई महानगर पालिका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर हैं उनकी साइन चाहिए, तो साइन हो ही नहीं रहा है। अभी शिवसेना वाले अपने सरकार बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, बीजेपी वाले अपने सरकार बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में जो है सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो मुंबई के लोगों को हो रहा है। पुणे एक बढ़िया शहर है महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा है, और वो ये वहाँ को पुणे को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, तो पुणे बन जाए नई राजधानी यहाँ का, या ये नासिक बन जाए, या अहमदनगर बना दिया जाए, औरंगाबाद बना दिया जाए, जो भी एक सेंटर मतलब पूरे महाराष्ट्र का सेंटर, जहाँ से मतलब महाराष्ट्र के किसी भी कोने से वहाँ पे लोग जो है 5 से 6 घंटा में पहुँच जाए, इजीली पहुँच जाए, कनेक्टिविटी अच्छा हो, वो वहाँ को अगर राजधानी बना दिया जाए और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा तो देश का भी भला होगा, महाराष्ट्र का भी भला होगा। लेकिन हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो है इस पर विरोध जरूर करेगी कि हाँ मुंबई अगर महाराष्ट्र से चला गया तो महाराष्ट्र में क्या बचेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी पार्टियाँ जो है विरोध। गुजरात भी पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था 1970 से पहले, और उसके बाद से गुजरात को अलग कर दिया गया तो गुजरात भी डेवलप हुआ, महाराष्ट्र भी डेवलप हुआ। वैसे ही अगर जैसे ठाणे, मुंबई, रायगढ़, ये 3 जिला को मिला के जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, रायगढ़, मुंबई और ठाणे तीनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र के किसी सेंटर में कर दिया जाए तो शायद जो है महाराष्ट्र का भी डेवलपमेंट उस स्पीड से होगा, क्योंकि यहाँ के नेता जो है डेवलपमेंट का मतलब जो है मुंबई समझते हैं, तो मुंबई में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते हैं और इसके वजह से जो है आप चले जाइए मराठवाड़ा साइड में, विदर्भ साइड में, बहुत सारे जगहों पर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, हालाँकि कहीं कहीं डेवलपमेंट होता है, जैसे महाराष्ट्र में कुछ शहर है, पुणे को ले लीजिए, वो थोड़ा बहुत डेवलप है, नागपुर को ले
लीजिए वो थोड़ा बहुत डेवलप है, उसके अलावा जो है एक दो और शहर जैसे नासिक में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत अमरावती में भी हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ कुछ शहरों में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट का मतलब जो है यहाँ के नेता जो है वो समझ लेते हैं कि मुंबई का डेवलपमेंट तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, और मुंबई को दिखा के महाराष्ट्र को डेवलप दिखा दिया जाता है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान जो है महाराष्ट्र में करते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, ताकि वहाँ पे रहने वाले, राजधानी में रहने वाले लोगों को जब समस्याएं होगी तो वहाँ पे उसका समाधान ढूंढा जाएगा। जब वहाँ पे समाधान ढूंढा जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र का समाधान होगा। जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है अमरावती में बनाई जा रही है, नई राजधानी बहुत हाईटेक तरीके से बनाई जा रही है, जैसे चंडीगढ़ शहर को बनाया गया, वैसे एक शहर को बनाया जाए महाराष्ट्र में एकदम सेंटर में एकदम, जिसके वजह से महाराष्ट्र के लोगों को समस्या ना हो। लेकिन ये चीज़ें जो है इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे, जैसे विरोध इस वजह से करना शुरू कर देंगे कि क्यों भाई ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर महाराष्ट्र में रहेगा क्या, बचेगा क्या मुंबई अगर महाराष्ट्र से चला गया, तो गुजरात चला गया तो क्या बचा। फिर भी महाराष्ट्र जो है नंबर वन स्टेट है, आज जो है जीएसटी कलेक्शन से लेके हर चीज़ के कलेक्शन में महाराष्ट्र जो है नंबर वन है, आज इकोनॉमी के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर वन है। वो सिर्फ मुंबई के वजह से महाराष्ट्र नंबर वन नहीं है, उसमें बहुत सारे जगहों का योगदान है, जैसे शिरडी का योगदान है, जैसे पुणे का योगदान है, नागपुर का योगदान है, अमरावती का योगदान है, नासिक का योगदान है, ऐसे बहुत सारे शहरों का योगदान है। तो महाराष्ट्र का हर एक जिला, अगर महाराष्ट्र के हर एक जिला को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए एक काम तो सबको करना होगा, कम से कम जो है यहाँ का राजधानी बदलना होगा। महाराष्ट्र में ही मुंबई रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजधानी बदल दीजिए। मुंबई तो ऑलरेडी डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद जो है ना, ऐसे भी देश में जो है ना हर एक 50 साल के बाद राजधानी बदल जाना चाहिए, स्टेट में हर एक 50 साल के बाद राजधानी बदल जाना चाहिए। हाँ, हालांकि राजधानी बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे क्या बात है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो है दूसरे ये शहर में होगा, तो जरा सोचिए। और 50 साल बाद अगर राजधानी जैसे बदल गया, जैसे दिल्ली अभी राजधानी है, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 के हिसाब से सोच के, आज से 110 साल पहले के हिसाब से सोच के, तो 100 ईयर हो गया। अभी जो है दिल्ली के लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं राजधानी की वजह से। अब अगर उसको बदल दिया जाए, जैसे पटना है राजधानी, जैसे लखनऊ है राजधानी, जैसे मुंबई है राजधानी, हर एक 50 साल के बाद अगर राजधानी बदल दिया जाएगा तो किसी भी राज्य का 200 सालों में चार राजधानी हो जाएगा, चार अलग अलग राजधानी हो जाएगा, तो चार अलग अलग पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। एक एरिया अगर 150 किलोमीटर का पेरिफेरी अगर पकड़ लिया जाए, 100 किलोमीटर का ही पकड़ लिया जाए, तो 400 किलोमीटर का एरिया हो गया डेवलप। तो ये चीज़ है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे नेता जो है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मुंबई राजधानी बना है, तो मुंबई में बहुत सारे नेताओं का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़े बड़े लोगों का, बहुत सारे नेताओं ने फ्लैट खरीदा है, बिजनेसमैन ने फ्लैट खरीदा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुंबई से राजधानी बदला जाए। लेकिन अगर मुंबई से 150-200-250-300 किलोमीटर दूर जो है, और नागपुर से जो है उतना ही इधर, अगर सेंटर में कहीं दूसरा राजधानी बनाया जाए तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। आर्थिक राजनीति हलचल का असर जो है मुंबई पे उतना नहीं पड़ेगा, तो मुंबई में जो आर्थिक गतिविधियां होती है बड़े लेवल पे वो आसानी से होते रहेगा। और इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कहीं नहीं तो कहीं आयुष राज लिख रहे हैं, मनीष भैया एक माह कब आइएगा, बोलिए भैया एक बार, एक माह 50 बार आया हूँ, हाँ आपसे नहीं मुलाकात हुई है वो अलग बात है, लेकिन 50 बार एक माँ आया हूँ। ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, यहाँ कब आइएगा, वहाँ कब आइएगा, इस पे कब वीडियो बनाइएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी पे कब वीडियो बनाइएगा, जब उनका प्रोफाइल जाके चेक करता हूँ तो जो मैंने मगध यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाया वो उन्होंने शेयर ही नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं BRBU पे, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे वीडियो कब बनाइएगा, जब मैं उनका प्रोफाइल जाके चेक करता हूँ तो 1.5 महीना पहले जो मैंने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाया था वो उन्होंने शेयर ही नहीं किया। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों पे अभी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग इन चीज़ों को सोचिए, क्योंकि देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र की राजधानी में हमेशा हलचल मचते रहता है। अभी 15 दिन पहले जो है वो राणा दंपति का हलचल था, उसके पहले जो है वो शाहरुख खान का बेटा का हलचल था, फिर नवाब मलिक का हलचल था,
ऐसे कंगना रनावत का हलचल था, हलचल मचते रहता है यहाँ पे, कुछ भी होता है तो हलचल मचते रहता है। तो यहाँ पे कम से कम महाराष्ट्र की राजधानी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश नहीं करना चाहते हैं, ठीक है मत कीजिए, लेकिन कम से कम राजधानी बदल दीजिए। अगर राजधानी महाराष्ट्र का मुंबई से बदल के कहीं और किसी शहर में और कर दिया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो महाराष्ट्र का विकास दर है वो सीधे दुगुना हो जाएगा, सीधे। आप किसी भी अर्थशास्त्री को बुला लीजिए, ऐसा नहीं है किसी बाहर के अर्थशास्त्री को, वर्ल्ड लेवल के अर्थशास्त्री को बुलाइए और पूछिए ऐसा करने से मुंबई का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 90 लोग कहेंगे कि हाँ महाराष्ट्र का ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा अगर महाराष्ट्र की राजधानी सिर्फ और सिर्फ मुंबई से बदल दिया जाए तो। लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि मुंबई से महाराष्ट्र की राजधानी बदली जाए, क्योंकि उनको तमाम तरीके के सुख सुविधा जो है मुंबई में मिलता है, तमाम तरीके का सी फेस, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, जितने भी, उनको सी फेसिंग जो है फ्लैट मिल जाता है। सी फेसिंग मतलब समुद्र के किनारे का जो है फेस जो है उनका फ्लैट मिलता है, उधर से हवा आता है, उनको जो है सुकून मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग सूखे में मरते हैं। आप नांदेड़ चले जाइए, बहुत सारे एरिया में चले जाइए, बीड चले जाइए, विदर्भा चले जाइए, मराठवाड़ा चले जाइए, तो इन सब एरिया में जो है लोग पानी की वजह से मरते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। और महाराष्ट्र के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाइए कि महाराष्ट्र की राजधानी बदली जाए। और जिस दिन महाराष्ट्र की राजधानी बदल जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ महाराष्ट्र का विकास दर सीधे दुगुना हो जाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, राजनीतिक पार्टियों के दिमाग से अगर सोचना है तो सोचिए। राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेगी, वो बवाल विवाद कर देंगे इस पे, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 100-150 सालों से 50 सालों से 20 सालों से मुंबई में इन्वेस्टमेंट, मुंबई के आसपास में इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपना। कन्वीनियंट मतलब मुंबई से वो इजी टू कहीं भी जाना आना समझते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से मुंबई सही है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग एक बार ईमानदारी से महाराष्ट्र के विकास के लिए आवाज़ उठा दिए और मुंबई से महाराष्ट्र की राजधानी बदल गई, तो मुंबई का भी विकास हो जाएगा। मुंबई पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा लोड है, वो मुंबई से हट जाएगा। मुंबई के पॉपुलेशन, मुंबई का पॉपुलेशन जो है 25% कम हो जाएगा सीधे डायरेक्ट। आप किसी अर्थशास्त्री को बुलाइए, मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्री हूँ भी नहीं, आप किसी अर्थशास्त्री को बुलाइए और पूछिए ये बात सही है कि नहीं। 25% पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा मुंबई पे, तो मुंबई का इजिली डेवलपमेंट होगा। और दूसरा जो शहर महाराष्ट्र की राजधानी बनेगी उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। बाकी आप हमारे बातों से कितने सहमत है आप लोग जरूर बताना। और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, मुंबई में जो हलचल मचा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और इन नेताओं को तो सड़कों पे खड़ा करके जो है ना जनता जो है जूता मारे, क्योंकि अभी बाढ़ में आसाम डूब रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में जो है 9 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, उस पर चर्चा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के लोग परेशान हैं, बारिश के दिनों में यहाँ पर भी बहुत सारे एरिया में बाढ़ आ चुका है, वहाँ पर लोग परेशान हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रहा है। और बस सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, चुनाव के पहले जो है शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, चुनाव में जैसे रिजल्ट आया शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया, और 2.5 साल बाद जो है शिवसेना के जो है 40 नेता छोड़ के जो है बीजेपी में मिल गए। मतलब इन्हें कोई मतलब नहीं है महाराष्ट्र के लोग खुशी से रहें, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो, मुंबई में डेवलपमेंट हो, इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारें बचनी चाहिए। हाँ, सरकारें बचाने के लिए ये लोग कुछ काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि विकास का काम कर रहे हैं, ये विकास का काम नहीं करते, ये अपने यूज़ के लिए, जैसे एयरपोर्ट, ये सब बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन ये लोग अपने लिए बनाते हैं ताकि उनमें से कमीशन मिले, और उस चक्कर में जनता का भी थोड़ा बहुत भला हो जाता है, ये बात सत्य है। सड़कें बनाते हैं, जैसे कोई विधायक है उसे अपने विधानसभा में जाना है, उसके विधानसभा में जाने के लिए सड़क सही नहीं रहेगा तो उसे तो बनवाना पड़ेगा, तो वो सड़क बनवाता है तो उससे जनता का भी भला हो जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये लोग जनता के भला के लिए सिर्फ काम नहीं करते, ये अपनी भलाई के लिए काम करते हैं और उसी में थोड़ा बहुत जनता का भी भला हो जाता है। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।